सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज एक तो वीडियो को आगे चलाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे बुल के बारे में भाई से डिटेल से पूछते हैं। क्या नाम भाई साहब अपना? वैसे मेरा संजय संजय नाम है भाई का। और भाई का गांव चरखी, तहसील चरखी दादरी और जिला भी चरखी दादरी है। ये भाई के पास बुल है, इसके बारे में भाई से डिटेल से पूछते हैं। कितनी एज होगी भाई साहब इसकी? 5 महीने का 5 महीने का ये बुल है। इसके पिता का क्या नाम भाई? अर्जुन। और भाई ने काफ़ी अच्छा तैयार कर रखा है बुल को। इसकी मदर रिकॉर्ड भी पिछली वीडियो में बताया था, 26 लीटर का है। हिसार में, करनाल में फर्स्ट आई है, सुंदरता में सुंदरता में। और इतनी ऊंची हाइट लेंथ की है कि आज तक मैंने अपनी अभी तक के करियर में बफेलो नहीं देखी इतनी हाइट की। ये अभी इतनी छोटी एज में बुल इतना तगड़ा तैयार कर रखा है भाई ने। शायद ये हरियाणा फर्स्ट भी कर सकता है, इतनी सुंदरता है। अभी देखिए सींग भी बिल्कुल छोटा सींग है। चलाइए भाई साहब इसको। बहुत ही सुंदर बुल है भाई। इसकी टेल में नीचे से करीबन 1 इंच सफ़ेद है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो युवा भाई हैं आजकल, वो काफ़ी जोरों से मुर्रा के ऊपर काम कर रहे हैं और लंबे टाइम से फरमाइशें आ रही थी कि आप बुल नहीं दिखाते, तो इसीलिए आज ये बुल भाई भी छुपे रुस्तम हैं जो इतने अच्छे अच्छे बुल तैयार कर रखे और आज तक शायद किसी की वीडियो कवरेज में नहीं आए आगे। घुमाई भाई उस साइड में थोड़ा चला के दिखा दे। 5 महीने का कटड़ा काफ़ी सुंदर है, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा बुल बनेगा आगे। अभी ये टेस्टिकल देखिए इसकी। काफ़ी सुंदर बुल है, कलर सींग छोटा सींग है बिल्कुल। भाई काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं इसीलिए इतने अच्छे बुल तैयार कर रहे हैं। इतना ही खर्चा एक आम बुल पर आता है और अच्छी ब्रीड का तैयार किया जाए तो आगे पूरे पैसे हो जाते हैं और चिमन वगैरह भी। आने वाले टाइम में भाई का ये कटड़ा एक बार शायद हरियाणा के अंदर नाम करेगा। इसकी मदर दिखाते हैं आपको आगे, यहीं है बांध भाई साहब। काफ़ी सुंदर बुल है ये इसकी मदर है। भाई ने यहीं रख रखी है पीछे भी। संजय भाई काफ़ी युवा हैं और ये लगातार काम कर रहे हैं मुर्रा के ऊपर। भाई ने पहलवानी भी की है। हाँ मेडल भी नहीं मिला, लेकिन भैंस के मामले मेडल जरूर लेंगे भाई। आप पहले भी लेते आए और आगे भी लेते रहेंगे शायद। भाई सेटेट में पोजीशन पूरे क्षेत्र में 63 किलो में हाँ फर्स्ट। भाई आप स्टेट में पोजीशन लिए पहलवानी में, 63 किलो में फर्स्ट। भाई सब फर्स्ट आए हैं उसी और में आगे, मेडल अब मिलेगा आपको। शायद ऐसे बुल और ऐसे बफेलो रखते रहे तो आगे भी नाम होगा भाई का। ये मेडल इधर से ज़रूर लेके आएंगे, ले लिया कहीं काफ़ी थोड़ा ले लिए और आगे भी लेते रहेंगे क्योंकि बुल इतने अच्छे तैयार कर रहे हैं। और अभिमन्यु तैयार आसार में चैंपियन बनिया। अभिमन्यु जो बुल था इनका, हिसार में चैंपियन था, पटियाला थर्ड पोजीशन। पटियाला में उसने थर्ड पोजीशन हासिल की थी। और वीडियो के लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी भाई देश विदेश से हमारी वीडियो देखते हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये भाई की जो मुर्रा के प्रति लगाव, इसको देख के ये भाई देखे, गांव के युवा हैं ये भी इनके पास देखते रहते हैं, ये भी आगे जाके अच्छी बफेलो तैयार करें ताकि रुझान बनते हैं इन अच्छी चीज़ तैयार करने से। संजय एक बार खोल के चला इसने उस साइड। ये देखिए बुल दूंगा, अगर कोई बायर बुल लेना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा और वैसे भी बता रहा हूँ। संजय भाई साहब अपना नंबर बताओ। 98 131 98 131 0 97 20 0 97 20। एक और दूसरा नंबर और बता दो भाई साहब। 94 168 94 168 0 97 20 0 97 20। ये संजय भाई का नंबर है, अगर कोई बायर
ज़्यादा डिटेल से पूछना चाहे तो इनसे को फ़ोन कॉल करके पूछ सकता है। काफ़ी सुंदर बोल थे भाई के। वीडियो के लास्ट में मन सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार।